उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल के जयपुर रेलवे स्टेशन का रामचरण बोहरा सांसद जयपुर ने दौरा किया। मंडल रेल प्रबंधक नरेंद्र ने स्टेशन पर किया स्वागत। बुधवार दिनांक 12 जुलाई 2023 को सांसद महोदय द्वारा जयपुर रेलवे स्टेशन के कॉन्कोर्स हॉल में स्थापित जयपुर स्टेशन के पुनर्विकास संबंधित मॉडल का अवलोकन किया। साथ ही जयपुर स्टेशन रीडेवलपमेंट के पश्चात स्टेशन पर प्रदान की जाने वाली यात्री सुविधाओं, पार्किंग की व्यवस्था, स्टेशन पर पीक एंड ड्रॉप मार्ग, कॉन्कोर्स एरिया, स्टेशन बिल्डिंग की डिजाइन एवं अधिकतम स्पेस यूटिलाइजेशन की जानकारी प्राप्त की एवं द्वितीय प्रवेश द्वार पर चल रहे पुनर्विकास कार्य को देखा तथा यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए। साथ ही जयपुर गांधीनगर जयपुर खातीपुरा सांगानेर रेलवे स्टेशन पर चल रहे कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी ली एवं माननीय सांसद ने रेलवे द्वारा यात्री सुविधाओं के लिए किए जा रहे हैं कार्य पुनर्विकास कार्य के बारे में जानकारी दी। स्टेशन पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक मुकेश सैनी, जयपुर स्टेशन निदेशक मिहिर देव, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर विनय टाक एवं मंडल व मुख्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी गण मौजूद रहे। स्टेशन के लिए इसकी टोटल लागत आएगी करीब 717 करोड़, जिसमें अभी जो हमने काम किया है करीब 500 करोड़, और ये जो है 42 महीने में कम्प्लीट होगी। 25 जनवरी से काम शुरू हो गया और 24 जुलाई 2026 में ये कंप्लीट हो गया, जो अभी हम लोगों ने आपको बाहर इसका एक छोटा सा वीडियो दिखाया और मॉडल दिखाया। इसमें जो मेजर फैसिलिटी जो आ रही है, 18 तो एस्केलेटर लगेंगे, 30 लिफ्ट्स लगेंगी और 32 सीढ़ियाँ और 8 रैंप हैं डिसेबल्ड के जो दिव्यांग हैं उनके। तो ये आपका अभी जयपुर स्टेशन जो एग्जिस्टिंग स्थिति है वो है पिक्चर। नेक्स्ट दिखा, ये अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर चल रहा है एरियल व्यू, ये भी अभी वही है। अब आगे बढ़ो डेवलप, ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट प्लान है जो बाहर मिला है। ये हमने सेग्रीगेट किया है कि जो यात्री आ रहे हो और जो जा रहे हो उनका सेपरेट ड्रॉप ऑफ पिकअप जोन सारा चीज अलग रहेगा कि आपस में कोई कंफ्यूजन ना। ये अब एरियल व्यू है, जब ये स्टेशन पूरा डेवलप हो जाएगा, जैसे यहाँ आपको रूप प्लाजा दिखेगा, यहाँ पेड़ पौधे रहेंगे, छोटे छोटे बागीचे रहेंगे, लोगों के बैठने के लिए जगह रहेगा, पैदल यात्रियों के लिए कवर। या तो आजकल में लग जाती नहीं, एक दो दिन में लगा के उसको, जिस प्रकार की यात्रियों का इतना फुटफॉल है तो इमरजेंसी मेडिकल व्यवस्था यहाँ होना बहुत आवश्यक है। मैंने यारन साहब से बात की है, जीएम को भी पत्र लिखा है और रेलवे मंत्री जी को भी मैंने पत्र लिखा है, जल्दी जल्दी इसकी व्यवस्था कराएंगे ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं।